हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 World, जिसमें आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गिम्बल है उसको कैसे असेंबल करते हैं और कैसे कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो ये FewTech का ये गिम्बल है, काफ़ी अच्छा गिम्बल है, प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है, लुकिंग भी बहुत अच्छी है। तो आज इसको पूरा असेंबल करके दिखाएंगे और दिखाएंगे इसका फुल यूज़। तो अंत तक हमारे वीडियो आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप जो सामने देख रहे हैं वो है FewTech का गिम्बल, जिसका मॉडल नंबर है A2000। तो काफ़ी अच्छा गिम्बल है, इसमें दोनों ही पॉइंट आते हैं कि डबल हैंडल भी है और सिंगल हैंडल भी आप यूज़ कर सकते हो, और एसेसरीज भी सारी इसके साथ में आपको मिल जाएगी। तो ये है वो गिम्बल जिसकी हम बात कर रहे हैं। लुकिंग काफ़ी अच्छी है, रेड और ब्लैक दो कलर में ये मेंशन आता है, और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, काफ़ी छोटा सा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। थ्री वे है इसमें, जिसमें मतलब आप टिल्टिंग एंगल भी 360 डिग्री है, रोलिंग एंगल भी 360 डिग्री आएगा आपके, और पैनिंग एंगल भी 360 डिग्री ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके कैमरा लगा सकते हो, ये कैमरे का प्लेट है जहाँ से आपके कैमरा फिट होगा, ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये भी हम आगे दिखाएंगे आपको इसको पूरा फिट करके। ये इसका मॉडल नंबर है जो आप देख सकते हो, A2000। प्लस बात करें तो और भी कई सारे गिम्बल्स आते हैं रोनिन का, डिजिटेक का, लेकिन ये काफी कम प्राइस रेंज में आ जाएगा। और ये है इसका रिमोट, जिसमें लगेंगी 2200 mAh की बैटरी। वैसे 4 बैटरी आती है, क्योंकि 2 सिंगल हैंड में लगती है और 2 जो डबल हैंडल आता है जो आपने वीडियो के शुरुआत में देखा उसमें लगती है। तो अभी हम सिंगल हैंडल यूज़ करके दिखाएंगे आपको इसको। तो ये प्लस का सिग्नल है, ये माइनस का है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस में ये आपको बैटरी ऐसे लगानी है। बैटरी भी काफ़ी इसकी पावरफुल आती है, लगभग इनको फुल चार्ज होने में आपको लगभग 5 hours का टाइम लगता है, और ये लगभग 12 घंटे का आपको बैटरी बैकअप दे देती है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, यहाँ से ये आपके गिम्बल से फिट हो जाएगा रिमोट। कैसे फिट होगा वो भी दिखा देते हैं। देखिए, पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट्स आमने सामने रहेंगे, बिल्कुल सामने रखना है, एकदम फिक्स करना है, और इस लॉक को आपको घुमा देना है। यहाँ से ये लॉक घूम जाएगा इस टाइप से। तो ये फिक्स हो चुका है, यहाँ पे फिक्स कर लिया है हमने। इसको फुल टाइट कर लीजिएगा ताकि लूज ना रह जाए बिल्कुल भी, एकदम पूरा टाइट करने के बाद ही इसको आपको यूज करना है, थोड़ा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए। और ये है इसका ट्राइपोड स्टैंड जो सिंगल हैंडल का आता है, इसमें 3 लैक है, और ये आपके जो रिमोट है या सिंगल हैंडल है उसके नीचे के साइड में लग जाएगा। ये इस टाइप से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल फिट हो चुका है। अब बस यहाँ पे इस टाइप से इसको आप इजीली स्टेबल खड़ा भी कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो लाइव। अब लगाएंगे हम इसमें कैमरा, कोई भी कैमरा, जिसे वो कैनन का हो, निकन का हो या सोनी का हो, तो वो कैमरा लगा सकते हो। ये इसकी कुछ केबल्स आती है, ये 2 एक्स्ट्रा सेल है जो डबल हैंडल में लगेंगे, और ये इसका चार्जर है। चार्जर में 2 ही सेल एक साथ चार्ज होते हैं, और लगभग 5 hours का टाइम फुल चार्जिंग होने में लगता है, जिसके बाद में मैंने जैसा आपको बताया है तो लगभग 12 hours का ये आपको बैटरी बैकअप दे देगा एक बार फुल चार्ज होने के बाद में। और ये इसकी USB केबल वगैरह है, चार्जर होएगी आपके। और जो केस है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, बिल्कुल भी आप कैरी कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, काफ़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। रफ टफ आप कहीं पे भी घूमने फिरने जाएं ट्रैवलिंग के हिसाब से तो भी आप यूज़ कर सकते हो।
अब ये देखिए प्लेट मैंने अपने DSLR पे लगा ली है। ये जो DSLR है D7200 है निकोन का, काफ़ी वेटफुल कैमरा है, लगभग लेंस प्लस बॉडी मिला के 1200-1300 ग्राम का हो जाता है, 1 किलो 200-300 ग्राम का है। जो इसके मैक्सिमम कैपेसिटी है वेट उठाने की वो भी आपको बता देता हूँ, वो है लगभग 2.5 kg, मतलब 2.5 किलो तक का आप वेट, जिसे बड़े से बड़ा जैसे 1DX, 5DX, 5D जो निकोन का D5 कैमरा है उस तक भी आप लगा सकते हो, क्योंकि सबसे हैवी कैमरे वही आते हैं। हाँ, लेंस का ध्यान में रखना है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंस होते हैं जो साथ में किट में आते हैं 24-120 तक, वही लगा सकते हो। आप बड़े लेंसेज की बात करें 70-200 है, 200-500 है, 150-600 है, तो ये इसमें नहीं काम करेंगे क्योंकि इसमें लगेंगे ही नहीं, और वेट भी उनका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 2-2, 2.5-2.5 किलो के तो वो लेंसेज ही आते हैं। तो नॉर्मल लेंस के साथ में या जो मिररलेस कैमरे आ रहे हैं सोनी के, जो भी XYZ, वो सारे ही इसमें लगा सकते हो, निकोन 850, कैनन 5D, जो भी आप यूज़ करते हो सारे लगा सकते हो। अब ये नीचे से आपको इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा स्क्रू खोलना पड़ेगा आपको, और ये साइड में बटन दिया हुआ है जहाँ पे मेरी उंगली के पास में, इसको प्रेस करके रखना है तब ये इसके अंदर जाएगा। तो ये वाला बटन है, देख लीजिए आप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको इस टाइप से अंदर लेना है, प्लस फिर इसके नीचे 2 स्क्रू आते हैं, जब ये फिक्स हो जाए तो उनको भी आपको टाइट करना पड़ेगा। ये देखिए ये यहाँ तक चला गया, अब ये मैंने बटन प्रेस किया तो ये आगे भी चला जाएगा। अब ये लग चुका है हमारा पूरा, अब ये स्टेबल भी हो चुका है, देखिए थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके हो सकता है इसको स्टेबल करना पड़े। अब यहाँ पर आप बटन देख सकते हो, एक ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन करते ही ये ग्रीन लाइट रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगी, मतलब ये ऑन हो जाएगा, और डबल प्रेस करने पे आपका कैमरा बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। अब ये देखिए ऑफ कर दिया, वापस ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये मैंने इसको वापस ऑन करते ही एकदम बिल्कुल सीधा हो गया है, तो ये ऑटोमेटिकली ही डबल प्रेस करने पे एकदम सीधा कर देता है आपके कैमरे को। अब ये इसकी जॉयस्टिक है, ये आपके अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी 360 आपको रोटेट करना है किधर भी, तो इस जॉयस्टिक से ही आपका सारा मूवमेंट हो जाएगा, जिधर भी आप इसको रोटेट करना चाहते हो, जैसे डाउन करना चाहते हो, ये साइड में मैं रोटेट कर रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव, तो इस टाइप से रोटेट ये हो जाएगा। पावर चार्जिंग की बात करें तो 3.7 वोल्ट का इसका पावर चार्जर आता है, और इसके वेट की बात करें तो वेट भी ऐसा काफ़ी हैवी नहीं है, लगभग 1 किलो 111 ग्राम का इसका फुल वेट है, जो गिम्बल है उसका जो पूरा वेट है 1 किलो 111 ग्राम का है, जो कि काफ़ी लाइटर है। अब ये देखिए, ये जैसे मेरे को साइड में रखना है, ये जॉयस्टिक को मैंने पकड़ लिया है, अब जिधर भी जाएगा ये एकदम सीधा ही रहेगा। ये देखिए ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ़्ट राइट जैसे भी आपको यूज़ करना है वैसे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ये देखिए एकदम बिल्कुल विदाउट मतलब वाइब्रेशन के एकदम स्मूथली ये बिल्कुल वर्क करता है, आप जिसे किधर भी रोटेट करें इसको एकदम बिल्कुल स्मूथ आपके यूज़ हो सकता है। और बात करें इसके प्राइस की, तो चलिए रोटेटिंग तो आप देखते रहिए, प्राइस की बात करें तो जो इसका MRP है वो है 25,000 का, मतलब जो बाकी जो प्रोफेशनल जो गिम्बल्स आते हैं, क्योंकि मेरे को एक वीडियो में किसी ने कमेंट करके ही पूछा था कि 20-21 हज़ार का सस्ता नहीं होता, जी मैं आपको बता दूँ ये कोई डिजिटल कैमरे का गिम्बल नहीं है, ये DSLR का गिम्बल है, जो कि डिजिटल कैमरे के गिम्बल तो आपको 2-3 हज़ार में काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं, पर DSLR के जो गिम्बल आते हैं रोनी DJI के या Digitech के या और भी कई ब्रांड आते हैं उनके, तो वो लगभग 50+ के ही आते हैं, मतलब 50,000 से ऊपर के ही आते हैं। ये एकमात्र ऐसा गिम्बल है जो लगभग सारे ही कैमरों में आप अच्छी तरह लगा सकते हो, और इसका जो प्राइस है वो ओनली 20-21 हज़ार में आ जाएगा, तो मतलब आप देखो अगर कंपेयर करो उनसे तो काफ़ी सस्ता है। मैंने इसलिए बोला था कि ये काफ़ी नॉर्मल प्राइस रेंज में बहुत अच्छा गिम्बल है, तो
ये इसका डबल हैंडल है जैसा कि आप साइड में देख सकते हो। अगर आपको डबल हैंडल यूज़ करना है दोनों हाथों से पकड़ के, तो डबल हैंडल भी यूज़ कर सकते हो। खैर वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसका भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है, बस यहाँ पे बीच में जो ये मैंने अभी टच किया था हाथ, वहाँ पे इसको अटैच करना है और फिर आप वैसे यूज़ कर सकते हो जैसे आप नॉर्मल यूज़ करते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।